क्या होगा कि मैंने ये बात बोल दी ना अब इसके कोई बंदा इसकी रील बनाएगा वो सिर्फ इतना सा पार्ट उठाएगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि फका वक़ा कुछ नहीं होता आगे बढ़ो ठीक वो इतना सा पार्ट उठाएगा और उसको डाल देगा ठीक है अब उसके नीचे जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं उनकी जिंदगी में <laughs> फकअप चल रहा है वो लिखेंगे कि हाँ देखो ये ये सक्सेसफुल हो गया तभी वक्त कर रहा है वरना ठीक है तो मैं उसके कंटिन्यूशन में भी बोल देना चाहता हूँ कि जो बंदा भी उसको काट कर रील बनाए वो आगे की भी बनाए ठीक है एक तो मुझे लगता है ये जो रील्स का जो नशा चढ़ गया है ना दिमाग में ये बहुत खराब है और मेरी फीड इस टाइम सड़ चुकी है मेरी फीड मुझे इतना मजा आने लगा उन्हें देखने में कि मुझे लगता है इससे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मैं डूबने को तैयार ये देखना कितना गंद मचा सकते हैं ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस कॉन्वर्सेशन के बारे में हर कोई अनुभव सिंह बसी का नाम जानता है पर उनकी ये वाली साइड जो इस पॉडकास्ट में रिवील हुई इस साइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं एन्जॉय अनुभव सिंह बस्सी ऑन टी आर एस

बैंड्रा में लेने गया था मुझे नहीं पता था कि पूरे का पूरा बैंडावेशन में चल रहा है तो वो हर बंदा ये बता रहा है मुझे कि सारी बिल्डिंग में 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 और और ये बचे हैं आप देख लो मैं हाँ। मैं मैं दिल्ली में जिस घर रहता हूं, मैं रहता जैसा हमेशा से मुझे शौक है की बैलकनी हो अच्छी बड़ी बट यहाँ ऑब्वियसली आप वो सब उम्मीद नहीं रख सकते बट तो मैं टेरेस वाले घर ढूंढ रहा हूँ जिसमें वो मुझे बोल के ले जाते हैं कि हम आपको बैलकनी देंगे बैलकनी के नाम पर वो मुझे दे रहे हैं इतनी बड़ी जगह जितना बड़ा मैं हूँ तो मैं ही खड़ा हो सकता हूँ वहाँ पे बस और उसमें कुछ जगहों पे तो छज्जा बोलते हैं हम लोग उसे जो घर के बाहर निकालते हैं हम छज्जा वो बेसिकली कबूतरों के लिए कि तुम बैठ जाओ पे आके वो उसके ऊपर रेलिंग लगा के बोल रहे हैं ये आपकी बैल्कनी है दिमाग मत खराब करो कोई डंकी चीज दिखा दो वेलकम टू तो मुंबई भाई ये मुंबई की वाइब होती है जिससे मुझे ये मतलब ज्यादा पता नहीं था क्योंकि हमेशा होटल्स भी रुकता था मुंबई में पहली बार घर ढूंढ रहा हूँ तो दुआ और सूरी के साथ रुकता था मैं जब भी आता था उनका घर में तो वहां पर ये इशू शुरू हुआ था मेरा मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया था बट उतना दिल से नहीं लिया था क्योंकि मैं नहीं ले रहा था घर मेरे लिए तो वो जगह थी मैं जाके रुक जाता था आराम से शांति से वो दोनों सोचते थे दिन भर इस बारे में <laughs> फिर के घर रुकता था, था वो अकेला रहता तो और वो अकेला बड़े घर में रहता था तो फर्क नहीं पड़ता था हमें कुछ खास बट अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे घर छोटे होने की मैंने ये नोटिस किया कि डेली में जनरली

Uh, मतलब जितनी मेरी फैमिली दिल्ली से है वो कहते हैं कि वहाँ हर कोई रॉ है इन अ गुड वे मतलब जो अंदर वो बाहर दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन इवन इफ इट इज बदतमीज है वही करते हैं बदतमीजी <laughs> करते हैं <laughs> जो अंदर है वही बाहर दिखा देते हैं यहाँ <laughs> <laughs> के थोड़ा सा में रहना पड़ता है तो रहते हैं वैसे <laughs> हाँ शायद शायद ओके okay.

जैसा मर्जी कर ले मैं तो आ चुका हूँ okay. तुम्हारे स्टूडियो में बैठा अब जो करना कर ले मुझे okay. तो बता भी कुछ right. काम नहीं अगले तीन घंटे खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप हाँ सोचते हैं आप सोचता मैं सोचता क्या सोच मैं तो मतलब बस यही सोचता हूँ कभी भी आ सकती है तो मुझे मतलब ऐसा पर्सनली बहुत ज्यादा लगता है कि लाइफ अनसर्टन है और उसका एक रीजन है कि वो अनसर्टन है तो इसलिए लाइफ को इतना कैजुअली नहीं लेना है कि मैं उसे वेस्ट करूं और इतना कैजुअली भी नहीं मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है कि मैं सोचता ही रहूँ कि कल क्या होगा तो मैं इन्जॉय करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है मैं रोज़ मैं रोज़ जीता हूँ कि आज आज जियेंगे बाकी कल का कल देखी जाएगी हाँ लेकिन डर तो बना ही रहता है यार पूरे टाइम किस चीज़ का कि मर जाएंगे ये सब खत्म हो जाएगा ओके okay. हाँ वो जॉन साहब का एक शेर है मुझे याद नहीं आ रहा क्या है उनका एक शेर है ऐसे कि हम दो लोग बेसिकली उसका जो जिस्ट है वो ये कि हम दो खुश uh, 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 नसीब लोग हैं कि हम साथ में रहते हैं और एक ऐसा सितम आएगा कि हम मर जाएंगे तो वो वाला फैक्टर रहता है मन में कि बट हाँ ठीक है, है, तो नहीं है। में क्या में क्या कर हमारे हाथ में थोड़ी स्टैंड अपर्स okay. uh, भी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं

कि क्या चला मुझे कुछ नहीं पता ओके okay, okay. ओके। मुझे क्या बोल रहा तुम्हारे उस पे भी तो आते हैं। हाँ, पर, है आपके बारे में तो आ, आपके से तुम हमें आज भी मिलेंगे <laughs> नहीं, नहीं तो वैसे भी तो यार तो उससे पहले, मुझे पहले चैनल की शुरुआत हुई थी और मेरे लाइफ का गोल सिर्फ ये था कि मुझे एक जिम खोलना है

मेरी हरकतें इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं उनको इस तरह से देखूं कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया क्या हर इंसान अपने चीजें अपने तरीके से देखता है वो उसने जिस तरह से देखा होगा उसने देखा होगा मैंने जिस तरह से देखा मैंने देखा उस टाइम मुझे लगा कि अब ये तो मेरे साथ गलत कर दिया बट एक्चुअली मैं आज पलट के देखता हूँ तो कुछ किसी ने कुछ गलत नहीं करा सब ठीक है कुछ हैं जिन में जिनके बहुत बुरे हार्ट ब्रेक होते हैं उसमें भी एक दूसरा नजरिया ये भी है कि कभी किसी का दिल टूटता है तो एक्चुअली दिल दोनों ही लोगों का टूटता है जो रिलेशनशिप से बाहर जाते हैं दिल दोनों का टूटता है एक का एक सैड होता है तो हमें लगता है इसका ज्यादा टूट गया एक गुस्सा होता है उसका भी बराबर टूटता है क्योंकि उसे भी तो नहीं मिला ना वो चीज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे तो टूटता तो दोनों का ही अब वो लेता कौन किस कैसे है वो अलग बात है आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है आपके अकॉर्डिंग लोग किन चीजों पर कनेक्ट करते हैं दोस्ती दोस्ती मुझे लगता है कि वो एक विपुल सर बोलते हैं कि मेरे अंदर से एक वाइब आती है कि मैं कॉलेज का वो सीनियर हूँ जो सबको साथ लेके चलता है हाँ। तो वो मेरे साथ अभी भी आती होगी हाँ। और ये मुझे दो तीन लोग बोल चुके हैं हैं विपुल सर बोल रहे हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व तो एक वो रीजन हो सकता है जो कि काफी हद तक है भी दूसरा ये कि हमारा जो अभी कंट्री का जो यूथ है जो अपनी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे बोलते हैं कि अपना 65 I think youth चल रहा है ना भी देश में तो उनसे रिलेटेबल वो तो अगर मैं उनकी लाइफ को हिट कर रहा हूँ तो वो वो तो नेशनल ना। लेवल बन चुके हाँ, वो, वो मान सकता है कि हाँ, मैं, सारे कॉलेज का मिला के सीनियर हो गया हूं। सारे हॉस्टल्स में रह लिया हूं मैं। तो वो रीजन है वो वाले लोग जिन लोगों के जिन लोगों मैंने टारगेट किया था अपने कॉन्टेंट से

तो आपको पता चलेगा ना एग्जैक्टली exactly बढ़ गई है या कम हो गई है कुछ देखो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा हुआ है, तो उसे लोग जान गए जानेंगे और क्योंकि से कुछ लोग आपको अटेंशन देंगे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है बट आप उसे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तब आपको पता चलेगा कि कितनी मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है मैंने ली नहीं है

से आप भी हो जो जिनके साथ जिन्होंने जो भी है, है। फेम, टिक, हैं।, हैं जो भी कॉन्टेंट वो क्रिएट कर रहे हैं जो भी जिस भी फील्ड में स्पोर्ट्स पर्सन है कुछ भी है जब वो आप उस एज में जो आप फेमस हो जाते हो ना और अगर आपके पास एक प्रॉपर हाथ ना हो किसी मिंट और का सीनियर सीनियर का पेरेंट्स का बड़े भाई बहन का किसी का भी तो आपको बहुत मुश्किल है वो हैंडल करना मेंटली बिकॉज आपको नहीं पता 24 साल की मैं खुद मानता हूँ कि चौबीस साल की उम्र में मेरे पास आज जितनी सक्सेस होती और आज जितना पैसा होता आज जितना नाम होता मैं आदमी को आदमी ना समझता मैं किसी और दुनिया में जी रहा होता और मैं ऐसा होता कि तुम हो कौन मैंने करा जो करा है. और ये बहुत ज्यादा होता है

मुझ, मेरे सर पे नहीं चढ़ा कुछ भी मैं इसके लिए बहुत मतलब खुश नसीब मानता हूँ कुछ सोचा हुआ था भगवान ने कि अच्छा ये मिल रहा है मुझे तो मैं इसलिए ऐसा रहता हूँ सबसे दोस्ती कर रहे हैं क्या कर, है, सबसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी वो, वो हो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने वो जी लिया मैंने अपना मैंने इतना नीचे जाके देख लिया कि मुझे ऊपर आने की कीमत पता है तो कितने नीचे तक बॉटम जितना था सबसे नीचे बैठा था मेरे पास कुछ था थोड़े ना बताइए मतलब मैं कितना तीन महीने तो दो दो ढाई महीने तो मैं ऐसा था कि मुझे घर से निकलना ही नहीं है मुझे रूम से भी नहीं निकलना मुझे कुछ नहीं करना मेरे बस की नहीं है कुछ करना तो अपने आप को मैंने मान लिया था कि भाई नहीं आता मुझे कुछ हो गया मेरा सब आपकी एज क्या थी तब आई थिंक मतलब ये डायरेक्टली कॉलेज के बाद नहीं था चार साल बाद तीन साल क्यों पर क्या हुआ कुछ नहीं वहाँ जो कर रहे थे वो नहीं रहा था मैंने पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो समझ में आ गया मुझे कि मेरे बस की नहीं है करना और फिर एक रेस्टोरेंट खोला वो बंद हो गया एक जॉब कर रहा था उसमें मन नहीं लगता था कुछ काम भी नहीं था कुछ खास बेसिकली सीखने को कुछ नहीं मिलता था तो फिर मुझे यूजलेस लगते हैं वो काम जिसका मुझे पैसा भी मिले और मैं कुछ सीखूँ भी ना तो फिर यूजलेस हो मेरे लिए काम को मतलब नहीं उस बात का तो वो भी वहाँ पर मन नहीं लगता था फिर वो छोड़ दी फिर बैठा था घर में ऐसा लगता था ना मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो अच्छा ही करूँगा कुछ तो बड़ा ही करूँगा जिस तरह से मैं अपने स्कूल में अपने कॉलेज में जिस तरह से मैं रहता था या जो बेसिकली मुझे कोई काम मिलता था तो मैं कर लेता था उस चीज़ को मैं उसमें ऐसा फेलियर था नहीं मुझे पढ़ाई करने को दोगे मैं पढ़ लूँगा खेलने को दोगे मैं खेल लूँगा मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बेस्ट खेल लूँगा या बेस्ट पढ़ लूँगा और जितना करना होगा उससे बेटर ही कर जाऊँगा अबव एवरेज अब कर जाऊँगा बट लाइफ में मैं अबव एवरेज अब भी नहीं कर पा रहा था मैं एवरेज भी नहीं कर पा रहा था तो आपको खुद लगता है मिनिमय ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और फिर घर वालों से बोलो कि और दे दो थोड़े से पैसे इस महीने के भी दे दो अभी काम करना है तो थोड़ा खराब लगता है अंदर से आपको खुद ही कि यार मेरे माँ बाप मुझे जहाँ से उठा के लाए थे जहाँ से उन्होंने पढ़ाया है तो खुद आपको लगता है कि यार उन्होंने इतनी मेहनत करी थी हमें क्योंकि उनके लिए सिर्फ पढ़ाई थी कि पढ़ के ही आगे निकल सकते हैं तो उन्होंने सब कुछ दिया था जो आप पढ़ के आगे निकल सकते हो बट शायद मैंने ही वो सीरियसली नहीं लिया मुझे पढ़ के निकल जाना चाहिए था अभी तक कहीं ना कहीं तो वो आपको खराब लगता है कि अभी भी कैसे बोलूँ उनसे वापस से कि मुझे तो अभी भी पालो क्योंकि अब तो मेरा टाइम आ गया ना उनको पालने का नॉट एग्जैक्टली पालना बट उनको संभालने का क्योंकि उन्होंने कर दिया जो उन्हें करना था यार उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी और सिर्फ एक सपने पे कि बच्चे कुछ कर दें तो हमारी बारी है तो वो मुझे लगता था बहुत ख़राब तो वो मेरा बॉटम था पर वहाँ से फिर निकल गए तो अब ठीक है इसलिए मैं कैसे निकला कुछ नहीं हुआ ऐसे बाई चांस बस सोचा कि मैं ये कुछ लिखता रहता था मैं कुछ कुछ करता रहता पढ़ता रहता था तो मुझे लगा कि चलो लिख ही लेते हैं तो मुझे लगता है मेरा यूपीएससी की मैं भी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं कोर्स की किताब के अलावा सब कुछ पढ़ता था सिलेबस के अलावा मैं सब पढ़ता था मुझे कुछ कुछ भी इंटरेस्टिंग दे दो छः महीने तो मैंने गुलदार साहब पे निकाल दिए तो, <laughs> तो मुझे लगता था लिखते हैं कुछ कुछ मैं लिखता रहता था फिर मैंने

आकाश ही नाम था भाई आकाश को भेजा मेल भेजा कि भाई ऐसे ऐसे में करना चाहता हूँ तो उसने बोला स्क्रिप्ट भेजो मैं क्या होती है स्क्रिप्ट <laughs> क्या भेजनी स्क्रिप्ट का तो, उसने बोला चार मिनट का कुछ जोक्स भेजो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों को आके बोल दूंगा कुछ कुछ <laughs> तो उसने बोला किस चीज़ के बारे में बोलोगे तो मैंने बताया मैंने कहा ऐसे कुछ भी बोल दूंगा मतलब ऐसे तैयारी कर रहा था यूपीएससी की नहीं कर पाया तो ऐसे कुछ कुछ मैंने भेजा उसको तो उसने कहा ठीक है आ जाओ फिर मैंने आके चला गया मैंने जाके परफॉर्म किया चार मिनट तो ठीक है लोगों ने दो, दो बार ताली वाली भेजा थी मैंने कही तो सही है <laughs> किलो हो गया पहली बार में तो। बट मेरा उसमें ऐसा नहीं था कि मैं इसको आगे करने जाऊंगा मैं मैं शौक से करने गया था कि चलो एक बार करके आते हैं क्योंकि कूल लगता मुझे भी कूल लगता था कि यार स्टेज पर गए माइक पे बोल के आए बहुत दिनों बाद स्टेज पे गए ऐसे बोल के आए पीछे कैनवस लाफ क्लब लिखा है तो मैंने वीडियो भी मांगी थी ढाई की वीडियो देते थे तब वो लोग

ओके आप पॉडकास्ट कंज्यूम करते कर दो बट मैं कर नहीं पाया हूँ कोशिश है कि मैं ढूंढ के और उसको सुनूं और करूं तो क्या एक तो मुझे लगता है जो, का जो नशा चढ़ गया है ना दिमाग में ये बहुत खराब है और मेरी फीड इस टाइम सड़ चुकी है मेरी फीड पर इतनी गंदी गंदी रील आती है भाई उन्हें देखने में जो मजा आता है इतनी गंदी में कसम बता रहा मैं जिसको भेजता हूँ मुझे ब्लॉक कर दे <laughs> मुझे इतना मजा आने लगा उन्हें देखने में कि मुझे लगता है इससे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मैं डूबने को तैयार हूँ मुझे ये देखना है कितना गंद मचा सकते हैं ये लोग <laughs> इतने इतने से बच्चे वो ऐसे दिल टूटने के कुछ वो एक वो एक का, रील तो काम की पॉडकास्ट अब अब मतलब काम की होती है काम की चीज है यार okay. आप किसी बंदे के परस्पेक्टिव जानने को मिल रहा है आपको उसके इनसाइट जानने को मिल रहे हैं तो तुम लोग एक्चुअली नोवेल काम कर रहे हो भाई तो आप। हमें उन लोगों से मिला रहे हो जिन लोग से हम खुद जाके कोई बात नहीं कर पाते है हमें मौका नहीं मिलता उनसे बात करने का हम तुम्हारे थ्रू एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उनसे हम हमसे वो सब जानना चाह रहे जान ले रहे हैं जो हम जानना चाहते हैं तुम्हारे थ्रू तो बड़ी बात है भाई ह्यूमन ह्यूमन साइड साइड दिख जाती है side, हम देखना भी चाहते हैं किसी की भी वो हमें एक्चुअली दिख जाती है तुम्हारे चक्कर में तो टी ऑसम ओके आपको कैसे लेबल्स मिलते हैं जनरली पब्लिक आई में अकॉर्डिंग टू यू नहीं। क्या मतलब है है ओके ओके ठीक मैं खुद का देता फिर आप अपने से आंसर कीजिए okay? जैसे आ, मुझे एक लेबल दिया जाता टॉक्सिक मतलब तो, कुछ टॉपिक थी, बहुत ज्यादा प्रमोट होते थे एल्गोरिथम पे कुछ टॉपिक्स बिल्कुल नहीं मैंने हर टाइप का कॉन्टेंट किया अपने करियर में Okay. और उस फेज में मोटिवेशनल कॉन्टेंट चल गया एल्गोरिदम पे तो पे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कॉन्टेंट बनाया और अब तक वो इमेज uh, मेरा इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिटिसिज्म क्यों नहीं वो तो कहता है कि हमेशा हासिल करना चाहिए बट मैंने हीलिंग पर भी कंटेंट बनाया मैंने ट्रैवलिंग बना बना हर चीज देखा देखा नहीं नहीं किसी ने हाँ जी किसी ने देखा ही नहीं दूसरा अभी आजकल लेबल है पॉडकास्ट बनाता हूँ मैं एलियंस के बारे में पॉडकास्ट मैं सवाल कर रहा हूँ वो भी इसरो साइंटिस्ट से वो भी आ, काफी ज्यादा एडवांस स्परिचुअल लोगों से आई डों थिंग बैड सवाल पूछने में पर आई थिंक जब भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है आपका कॉन्टेंट या आपका नाम वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ उसे शायद पहुँचना भी नहीं था और उन लोगों तक पहुँच जाता है जिन जो कभी आपको फॉलो करेंगे भी नहीं आ, तो ये है मेरे लेबल्स बस भाई आप बताइए यार देख मेरे लेबल्स हैं कि मैं फनी हूं <laughs> ठीक है ठीक ठाक दिखता हूं ठीक ठाक आदमी हूं ठीक अब मूवी में भी कर लिया तो शायद आगे चल के भी ठीक ठाक काम कर लूंगा ठीक है मेरे बस यही लेवल से अब मैं इसका रीजन बताता हूँ आप टॉक्सिक हसलर हो या नहीं हो ठीक है ये बात मुझे नहीं पता थी आज तक आप सूडो साइंस एक्सपर्ट हो या नहीं हो ये बात मुझे नहीं पताती आज तक तो आई जस्ट बिलीव ये बात आपको भी नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि आपने मुझे सिर्फ दो ही लेवल बताए जो आपके मोस्ट नेगेटिव लेवल्स हैं ठीक है मेरे हिसाब से मैंने आपको कोई कॉन्टेंट नहीं देखा आज तक जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो अगर मुझसे कोई पूछे कि रणवीर अलावादी कौन है तो मैं बोलूँगा बड़ा इन्फ्लुंसर है बड़ा आदमी है बड़ा इन्फ्लुंसर ठीक है वो है आपका लेवल ठीक है अब आप अगर सिर्फ अपने नेगेटिव लेवल चूज करोगे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो आप जो बोल रहे हो हमारा कंटेंट वहां तक पहुंच गया जहां तक पहुंचना भी नहीं चाहिए था तो इसका पॉइंट ये है कि हमने सिर्फ वही वाला देखा क्योंकि नेगेटिव कमेंट ऑब्वियसली आपको ज्यादा हर्ट करती है क्योंकि आपकी नजर भी उस पर जाती है आपको पॉजिटिव नहीं दिखेंगे आपको लव लवी बसीवाई लवी बसीवाय लवी वसी भाई पांच नहीं दिखेंगे आपको देखिएगा ये क्या वो लोग ये किसने लिखा है अगर उसकी प्रोफाइल ब जाओगे सत्तर फॉलोवर है सत्तर फॉलोवर लड़का मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है आपके ऊपर आप लेते क्या हो पाँच लवी बस मिले हैं ना इसको लेके चलो ना कंटेंट वहां तक पहुँच भी गया अगर जिन लोगों तक नहीं पहुँचना चाहिए था ये देखो ना वहाँ पहुंच गया जहाँ पहुँचना चाहिए था और वो लोग ज्यादा हैं तो वहाँ रहो ना वहाँ रहेंगे तो ठीक है हमारे सारे लेवल अच्छे ही है भाई हमें जो भी मिल रहा है अच्छे से ही मिलता है हमें वो मिलता थोड़ी है जो नहीं मिलना जिन्हें ओके okay. जिसने कमेंट किया भी है आपके घर नेगेटिव वो आपसे कभी आके मिलेगा थोड़ी ना क्योंकि उससे तो आप पसंद ही नहीं हो आपसे मिलेंगे वही जो आपको पसंद है तो फिर ठीक है ना लाइफ अच्छी चल रही है मुझे क्या मुझे नेगेटिव लेवल चाहिए नहीं बाढ़ में जाए पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा थैंक यू आपकी भैया एनर्जी फील हुई अभी एंड मैं आपको एक कॉन्वर्सेशनल हेता हूँ दूसरी चीज़ आ, क्योंकि हमारी शुरुआत फिटनेस में हुई आ, मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स इतना अफेक्ट नहीं करते क्योंकि फिटनेस की दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है और मैंने अलग अलग जॉनवर किए शायद उस जॉनर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी आई डोंट नो अगर अब है या नहीं क्योंकि मैं अभी फिटनेस की दुनिया में नहीं हूँ बट मैंने

क्या सोचते हो वर्क लाइफ के बारे में और क्यों मतलब प्री कॉमेडी भी एक प्रॉब्लम था आपकी लाइफ पर्सनली uh, मुझे ऐसा लगता है कि uh, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना बट आई पर्सनली थिंक मैं इससे ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ फिलहाल क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे काम मिला है लाइफ तो थी मेरे पास पहले भी आगे भी रही जाएगी तो मैं इसे कैसे ना कैसे करके सीख जाऊंगा एक टाइम पे आगे बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना काम मुझे मिल गया मैं करता रहूंगा ठीक है मुझे बैलेंस अभी नहीं बनाना क्योंकि मैं सच बता रहा हूं यार मेरी मुझे ना मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब सोया था ढंग से सेम मुझे आइडिया भी नहीं है। मैं होटल जाता हूँ स्वीट बुक करते हैं हम सोफे बैठते हैं कितनी बार मैं उस बेड तक भी नहीं गया हूं। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी पहले मैं उस बेड तक नहीं पहुंचाऊं जिस बेड जो हमने बुक करे सोना था वहाँ बैठे होटल के कमरे में वहां से निकले शो किया शो से वापस आए रात को फ्लाइट है फ्लाइट पकड़ी शहर चेंज किया वहाँ शो किया वो किया और ये हर जगह है मैं तुझे तो बताया मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और मैंने एक जगह देखी मुझे नहीं पता मुझसे आज कोई पूछे किसी हरटल में क्या देखा तो मैं बोलूँगा हमें एक जगह गया था ऊपर <laughs> तक गया था एक वो पॉइंट का जो भी पॉइंट है उनका वो स्काई पॉइंट करके कुछ है मैं कि वहां तक गया था बट वहां पहुंच के भी मैं काम ही कर रहा था मैं यही पूछ रहा था कि हाँ अगले शो का क्या सीन है कब निकलना है कैसा क्या सीन तो हालत बुरी हो मैं उस मैं मैं उस पर लिखा भी था कि एक अ, मेरे हिस्से की नींद शहरों में बट गई घर बनाने की जिद में जिंदगी होटलों में कट गई ठीक <laughs> है तो वो हो गया मेरे साथ मेरे मुझे नहीं पता कि मैं दिल्ली में घर लिया हुआ मैंने रेंट पे लिया हुआ पर दिल्ली में घर लिया हुआ है मुझे आज मैं आज तक उस पूरे घर के हर जगह नहीं बैठा ठीक है मुझे नहीं पता उस घर में पूरे उसमें क्या है मैं एक ही जगह एक सोफे पर बैठा हूँ और वहाँ से एक बेड पर सोया हूँ और मुझे किचन में नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है क्योंकि एक साल में कितने मतलब पूरा टोटल एक महीना नहीं रहा हूँ मैं वहाँ पे अब बॉम्बे में बता रहा था मैं आपको कि लेने वाला हूँ यहाँ भी नहीं रहूँगा तो मेरे तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मेजर प्रॉब्लम है बट ये कैसे ठीक होगी मुझे पता भी नहीं अभी बट सच बताऊँ तो मैं ठीक करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ये कि जितना काम मिल रहा है कर लो चुपचाप शांति से क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है तो मुझे कि ठीक है कर लेते हैं

कि यार फेमस होना है पे नंबर से ये बिल्कुल नहीं समझते नंबर मिल जाते हैं पर अगर आपको सस्टेन करना है तो बहुत कम लोग है इस चीज को बहुत कम लोग मतलब हर कोई ना एक रियालिटी को विजुअलाइज कि हाँ बीस साल बाद तीस साल बाद घर होगा फैमिली होगी बॉम्ब डैड होंगे घर पे पर कोई उन बीस तीस सालों के डिटेल्स को को विजुलाइज़ नहीं करता। करेक्ट क्या जाना अपने सक्सेस मेंटेन करने के में? रखी रहेगी और इसमें से सब कुछ होता रहेगा आपको रोज ही चलाना है रोज ही करना है रोज मेहनत करनी है और जितना ज्यादा आप बढ़ते जाओगे बढ़ती जाएंगे उतना ज्यादा आपको और बेहतर होना है साथ के साथ आपको अपना क्राफ्ट पे भी काम करना है जो जिसकी वजह से आपको ये मिला है सब कुछ तो क्राफ्ट को भी साथ के साथ करना है अब क्योंकि आप पब्लिक पर्सनालिटी हो चुके हो तो आपको पर्सनली भी इवॉल्व होना है कि एक बेटर ह्यूमन बींग क्योंकि लोग आपको अपने कुछ लोग आपको अपना आइडल भी देखते हैं तो अब आपको पर्सनली भी बहुत बेटर होना है तो कुल मिला के लौट पड़े हैं। <laughs> 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 कुछ ना कुछ करना ही चल रहा था अभी ऐसे तो मेंटेन होगा नहीं इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी तो वही मेहनत है और उस मेहनत में मार रखिए तो कर रहे हैं ठीक है अब कोई घर बैठे बोल दे कि ये तो हाँ भैया मैं ठीक है मैं मानने को तैयार मैं, मैं बहुत काम कर रहा हूँ आई थिंक बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा है मीडिया में ये मीडिया में ही नहीं होता है हमारी इंडस्ट्री में भी होता है हर इंडस्ट्री में होता लोग कुछ भी सोचते हैं यार okay. क्यों क्यों सुनना है उनका यार लोग कुछ भी सोच सकते हैं खाली बैठे लोग आई फील क्या जब आप एक पब्लिक पर्सनालिटी बन जाते हो तब ये एक और फैक्टर ऐड हो जाता है कि आपका कैरेक्टर भी लोग नोटिस कर रहे हैं एंड जो आप हम लोग हमने इंस्टाग्राम और टिकटॉकर्स के बारे में बात करी hmm. यू आर ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आप अपने ट्वेंटीज़ गुजार रहे हो दुनिया के सामने तो ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है आई डोंट फील कि अब भी मैं कुछ परफेक्ट हूँ uh, तीन साल पहले लगा था कि मैं परफेक्ट बन चुका हूँ <laughs> फिर पता चला कि नहीं दट नॉट ट्रू हमिल होना ज़रूरी होता है इस uh, इस दुनिया में uh, और ये कैरेक्टर कैरेक्टर असासिनेशन असैसिनेशन एक अलग तरह का प्रेशर डाल देता है एक फेमस इंसान पर और जो आपने कहा कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट hmm. मान लो अगर आप एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्टर हो आप जाकर आमिर खान से पूछ सकते हो या जो भी हम किसको पूछे वी hmm. like डोंट है ना अब तुम जो काम कर रहे हो किसी ने किया है इस जनरेशन में भी तीन चार हो सकते हैं लेकिन शायद जो तुमने किया है, वो किसी ने भी नहीं किया है ओनली वन तुम्हारा ठीक है तो ना um. उस चीज में मुझे एक चीज लगती है जो लोग बोलते है कि आप तो बहुत हम्बल हो अच्छा लगता है हर बंदे को अच्छा लगता है मैं तो किसी को मुझे तारीफ बहुत अच्छी लगती है करते रहो जितनी मर्जी कर आपकी दाढ़ी आपकी, आपकी शर्ट <laughs> बट जो लोग ऐसे बोलते हैं ना किसी भी आर्टिस्ट को किसी भी सेलिब्रिटी को ऐसे बोलते हैं कि आप तो बहुत हम्बल हो ठीक है पॉइंट ये है कि हम्बल सबको होना चाहिए चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे नहीं है अगर आप एक किसी व्यक्ति से जो आपसे सड़क पे कुछ खाना मांग रहा है कुछ कर आप उसे उस तरह से नहीं देख रहे हो जिस तरह से आपको देखना चाहिए आप उस ऐसे बोल रहे चले यहाँ जाए ऐसे जो भी तो आप भी हम्बल नहीं हो ठीक है भले ही आप कुछ भी करते हो भले बैंक में जॉब करते हो लेकिन ऐसे देखते हो तो आप भी हम्बल नहीं हो ठीक है इस जस्ट दैट आप अपने से नीचे के बंदे को या फिर उस ज़रूरतमंद को आप उस तरह से नहीं देख रहे हो तो आप भी लाइफ में हम्बल नहीं हो ठीक है तो ऐसे किसी आर्टिस्ट को बोल देना कि ये तो बड़ा बदतमीज है फोटो नहीं खिंचाया गया ये चला गया ठीक है तो बिल्कुल भी हम्बल नहीं है अगर ये बात आप किसी ऐसे इंसान के लिए बोल रहे हो जिस इंसान का काम आपको पसंद आता है वो तो आप इस तरह से देखते हो कि यार ये क्या बढ़िया काम करता है फिर आप ये बात उसके बारे में बोलते हो तो आप भी हम्बल नहीं हो ठीक है ठेके? हम्बलनेस आपके हर एस्पेक्ट में आती है लाइफ के आप किसी भी इंसान से बात करते हो दूसरे इंसान के लिए आप वो करते हो तो आपकी वो इंसानियत झलकाता है कि कैसे हो तो आपको हर जगह आपको भी हम्बल होना चाहिए ठीक है रही बात ये कि मैं आप इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ तो मुझे हम्बल रहना है ठीक है मैं उस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ नहीं मुझे हम्बल वैसे भी रहना था लाइफ में

Honestly, और और मोस्ट ब्रो ग्रुप्स ठीक है Parties पे अगर आप मिल रहे हो अपने अगर आप साथ में दारू पी रहे हो अगर आप चिल कर रहे हो तो जब कोई भी वालनरेबल होने लगता है ना कोई और एक जोक मार देता है टू ब्रेक द टेंशन और वो जोक भी अच्छी लगती है हुँ. पर हुँ. उससे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हाँ. आ, और ये मैं मेरे एक ब्रो के साथ करता था उनका नाम है जरवान बंशा मतलब मैं उनको एज फोर्टीन से जानता हूँ तो सोलह सालों के लिए मैं वो मेरी लाइफ में रहे हैं एंड बहुत कुछ देखा है साथ में आ, पर पिछले पांच सालों से मैंने उनसे सिर्फ बक किया क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी बन गई थी लाइक वी वर जस्ट हम एक दूसरे के बकचोद फ्रेंड्स थे उन्हें मुझे कुछ सीरियस कहने की कोशिश करी और मेरा ऑटोमेटिक ब्रो रिस्पॉन्स ये था कि मैं उनका मजाक उड़ाने लगा ये चूत। ए, क्या क्या बोल रहे हैं ये सब होक हो गया ये हमारा एक नेचुरल इंस्टिंग है एस गाइज की हम अपने ब्रोज की बातें कभी कभी अन ब्रश ऑफ कर देते हैं आप ये मानते हाँ मैं तो उस पर जोक्स भी करता हूँ <laughs> लड़के साथ में सीरियस नहीं हो सकते यार उन्हें नहीं समझ में आता उन्हें लगता है कि ये सब नहीं चल पाएगा मजाक उड़ा दो बस एक दूसरे की कैसे भी करके एकदम जिंदगी खराब कर दो और वो है वो अनसेट रूल है लड़कों के उसका कि सीरियस बात निकलनी है और वो उनका फिर वो भी है ना कि बुरा भी तो नहीं मानते ना और वो दवाई की तरफ भी होती है ना हाँ, मतलब वो ये कि चलो देखी जाएगी वो वाला एटीट्यूड है वो अब ये सही है गलत है इसमें तो मैं इस डिबेट में तो नहीं घुसूंगा पर हाँ होता तो यही है भाई <laughs> बाकी ऐसा भी नहीं है मतलब मेरे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं उनमें कभी कुछ किसी के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो हम सीरियस भी हो जाते हैं ऐसी बात में बस वही है कि ज्यादा दिन नहीं हो पाते हैं <laughs> <laughs> तो मिनट बाद ऐसा अंदर से लगने लगता है कि एक 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 जोक तो बनता है इस बात आ, मतलब इसे इसे समझाऊंगा समझाऊंगा अच्छे से बताऊंगा मैं इसके साथ पर एक बार इसे बोलना है बहुत तो तो वो तो ही वो तो, वो दोस्त ने एक दूसरे को नहीं माना, तो फिर क्या ही माना? जितनी ज्यादा गाली उतनी पक्की दोस्ती हाँ मतलब जितनी ज्यादा बेजती जितनी ज्यादा बेज्जती हुआ जितना था? जितना घटिया इंसान आप अगले वाले को बता सकते हो ना उतना करके आप उस <laughs> सबसे प्यार कर सकते हो ये पता नहीं लॉन्डो के अंदर क्यों के <laughs> खराब लग रहा है मुझे जो दुनिया में हो रहा है अगर उन चीजों के ऊपर कंटेंट बनाया तो आपका कंटेंट भी चल जाएगा मेंस इमोशनल हेल्थ का एक वेव आ रहा है दुनिया भर अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है अभी भारत में लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये ये बहुत ये थोड़ा डीप लॉजिक है इसके पीछे आप सोचो इसके बारे में आई फील कि हमारे फादर्स को, मैं पूरे फादर के, फादर्स के जेनरेशन को क्लासेस नहीं मिले हाउ टू बी अ गुड फादर और इनमें से काफी सारी चीजें फादर के रोल में होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीजें आप मोस्ट लाइफ की बहुत सारी चीज अपनी मम्मी से सीख दो

थेरेपी में मुझे पता चली है कि हाँ मेरे चाइल्डहुड से अफेक्ट होती है वो चीज़ें ठीक है उस टाइम पे अगर कुछ और चीज़ें हुई होती तो मैं शायद उस चीज़ में ना घुसता मैं कुछ बेटर कर रहा होता ठीक है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं सिखाया उस टाइम पर ठीक है क्या चीज़ें हैं उन घुस रहा हूँ पर मैं आपकी बात बता रहा हूँ मैं अपने फादर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता था कि उन्होंने नहीं सिखाया मुझे उस चीज़ पर वो करना है ठीक है मैं इस चीज़ को ज़िद्द नहीं मानता ठीक है मुझे हाँ पता है कि हाँ ये होना चाहिए था ठीक है बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ये देखना है मुझे ये भी पता है कि मेरे फादर ने जितना किया वो भी पॉसिबल नहीं था किसी इंसान के लिए करना उस सिचुएशंस में ठीक है इट वाज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी थिंग ही इज़ नॉट अ परफेक्ट मैन ही वाज आल्सो लिविंग हिज लाइफ ही वाज आल्सो लर्निंग एवरी डे तो उन्होंने जितना कर दिया मैं शुक्रगुजार हूँ उसका ठीक है इससे मैं क्या सीख सकता हूँ कि हाँ कल को मैं बाप बनूँ तो मैं उन चीज़ों को कवर कर लूंगा स्टिल मेरे बच्चे को मुझसे शिकायत होगी कि आपने मुझे एग्जैक्टली exactly वो चीज़ नहीं सिखाई जो उस जनरेशन को उस टाइम पर पता चलेगी ठीक है तो इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस ठीक है तो राधर हम इस चीज में डीपली घुसे कि क्या हो जाना चाहिए था इट्स बेटर कि अभी हम उसको कितना हद तक कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी अपने नॉर्मल अपने आप अपने चीजों को अपने इनकलकेट कर लो ना खुद बेटर होने की कोशिश कर लेते ना ठीक है आगे चीजें हो जाएंगी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बोलने से ये हो जाएगा या आपके सोचने से हो जाएगा थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ सकती है आपको बहुत टाइम लग सकता है हाँ तो कर लो जस्ट दैट ब्लेम करना ठीक नहीं है हम उसे ब्लेम ना करके हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम हैं उस एज में ठीक है टेक्निकली तो देखा जाए तो यार आप तीस साल के ये सोच रहे हो कि मेरे फादर ने क्या किया क्या नहीं किया

इसलिए मैं आपको ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ और जितना मुझे पता चला है मेंटल हेल्थ की नेविगेशन से एटलीस्ट uh, भारत में मोस्टली चाइल्डहुड फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टूअर मेंटल और जो आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स है आपके डैड के साथ जो आपके रिलेशनशिप थी आपके मॉम के साथ जो रिलेशनशिप थी उससे आपकी अडल्ट मेंटल हेल्थ और अडल्ट डिस बहुत ज्यादा डिसाइड होते हैं ठीक है मेनली भारत में ये साइकोलॉजी इसलिए आई ब्रॉटअप सो सोली दूसरा परस्पेक्टिव यह है कि uh, मेरे डैड के साथ मेरी खुद की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी शायद बीस साल के मैंने उनसे बात नहीं किया प्रॉपरली और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत सारे लड़के उनके डैड से ज्यादा बात नहीं करते नहीं। शायद कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते नहीं। या शायद कुछ इंसिडेंट्स की वजह से बात नहीं कर पाते या शायद जैसे मेरे केस में अल्फा वर्सेस अल्फा हो जाता है घर पे मतलब बचपन से अगर कोई इंसान अल्फा है वो बचपन से अल्फा होता है करेक्ट एटलीस्ट मेरे केस में था एंड ये मैंने नोटिस किया um, वो भी अल्फा थे घर पे Just इसलिए sorry, वो भी अल्फा थे मैं भी अल्फा था तो बचपन से उनके साथ टक्कर होती रहती थी फिर एट एज ट्वेंटी अभी मैं थर्टी ईयर हूँ लास्ट ईयर जून में मेरी लाइफ में कुछ हुआ मैं उस इंसिडेंट के बारे में मैंने बात करी है एक पॉडकास्ट पर इट, इट थेरेपी मान लो उसे तो थेरेपी में पता चला कि मेरे बाकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में या मेंटल हेल्थ रिलेटेड वो तब सॉल्व होंगे जब मैं उनके साथ चीजें सोल्व करूंगा ए, इस एक साल में मैंने उनके साथ चीजें सॉल्व करने की कोशिश करी है योर पेरेंट्स ऑलवेज डिड व्हाट दे थॉट वाज राइट मतलब उन्होंने उस सिचुएशन hmm. uh, में वो डिसीजन लिया hmm. तो मैं कभी डैड को अभी एट एज थर्टी ब्लेम नहीं करता पर मैं डेफिनेटली सर्कमस्टांस और लैक ऑफ कॉन्टेंट को थोड़ा सा ब्लेम करता और वो भी उनकी गलती नहीं है यूट्यूब आज के जमाने में hmm. बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ खुद को हील करने के लिए शायद जो आने वाले जेनरेशन है ऑफ डैड्स उनको बता सकता हूँ कि यार भाई ये देख वही मैंने बोला ना आप अपने पापा को प्लेम करने से अच्छा है खुद अपने अंदर ही डालो ताकि आप एक अच्छे आपका वो ट्रॉमा आपके मन से नहीं गया है कुछ भी है तो आप थेरेपी लो पहली चीज तो ठीक है से घबराओ मत ठीक है और आपको तो पता ही है सिर्फ इंस्टाग्राम पे होगा जाके काम करना पड़ेगा ठीक है मैंने भी लिया है मैं भी गया हूँ काफ़ी बेटर हुआ हूँ उसके बाद आज भी हो रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ काम उस पर ठीक है रहता है दिमाग खराब ठीक है आप हो सकता है कल को दोबारा चला जाऊँ ठीक है तो आप जाओ थेरेपी लो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है भाई ये चाइल्डहुड की वजह से हो गया था सबके केस चाइल्डहुड नहीं होते पर हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस हैं चाइल्डहुड प्रॉब्लम आपको ये हो गई थी ठीक है मुझे ये बात पता चल गई अब ठीक है अब मैं जाके इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियस ही बात है पास्ट है हो चुका ठीक है अब आपसे अच्छे से रिलेशनशिप रख लेते हैं ठीक है अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं मान लो बातचीत ही नहीं होती है बंद हो गया ठीक है तो समझ में तो आ गया ना क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो अब इतना रखते हैं ठीक है इनसे ग्रज रच नहीं रखेंगे फालतू का ग्रज रखने से और दिमाग ही खराब होगा ठीक है मैंने ये सीख लिया अब मैं आगे बढ़ता हूं अब मुझे अपनी प्रॉब्लम की जड़ पता चल चुकी है तो अब मैं अपने आप को सुधारने के काम पर लगूंगा ठीक है ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बेटर हो जाएंगे अब मैं बैठ के यहाँ पालथी मार के बस यही बोलता रहा कि वो तो पापा ने मुझे उस टाइम पे ये नहीं बताया वरना आज मैं होता प्राइम मिनिस्टर है <laughs> पास्ट को चेंज नहीं, चेंज नहीं कर सकते तो ब्लेम गेम क्यों करना ठीक है अब ऐसे तो फिर हार ही मान ली ना आपने लाइफ से आप आपने तो ऐसा कर दिया कि एक उस एक उस उस इंडिविजुअल ने पर्टिकुलर सर्कमस्टानस में एक आपके साथ एक इंसिडेंट कर दिया तो उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी पूरी खराब हो चुकी है आपने तो लाइफ का मतलब ही बदल दिया ऐसे तो फिर आप ऐसे तो फिर इस टाइम पे आप हो जो हो वो खराब मेंटली मेंटली अप हो अगर आप उसी चीज में पड़े हुए हो तो अब जो आप जिसके साथ भी कुछ भी कर रहे हो जिस भी इंसान के साथ आप गलत ही कर रहे हो ना आप उसके साथ हंड्रेड परसेंट हो ही नहीं आप खुद का दिमाग ठीक नहीं है तो आपने वो खराब कर रहे हो तो अगर वो हो रहा है मैंने भी दस बार किया होगा ये हरकत ठीक है बट आई एम ट्राइंग टू टू इट रादर टेलिंग देम फिक्स पास्ट पास्ट ठीक है मैं अपना फ्यूचर ज्यादा ठीक करने की कोशिश करूंगा तो हम वो करेंगे तो थोड़े ज्यादा खुश रह सकते हैं ऐसा मुझे लगता है अगर हम ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता उसको फायदा होने वाला है पता है इसमें चैलेंज क्या इसमें चैलेंज ये है कि बहुत मुश्किल चीज होती है किसी थिंक मुश्किल चीज़ होती है बट आई एम वेरी लकी कि मैं कर लेता हूँ वेरी लकी कि मैं मैं वो कर देता हूँ माफ़ ठीक है इसमें मुझे एक चीज खराब लगती है क्योंकि मैं माफ कर देता हूं तो मुझे मैं हर बार एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाला मुझे भी कर देना चाहिए उसमें मैं कभी कभी टेशन दिखा देता हूँ कि मैंने तो कर दिया तो इसने क्यों नहीं करा ठीक है वो ऑब्वियसली गलत है मेरी तरफ से सोचना क्योंकि मैं उसकी तरह से...

वो कुछ भी काम हो सकता है जो भी मैं करता हूँ कुछ भी कर रहा हूँ मुझसे मुझे खाली नहीं बैठा जाता फिर? मुझे लग अपने पे से कर, तो, पिक्चर देखनी तो मैं मोटिवेटेड रहता यार मुझे तो अच्छा लगता है, कि, okay. ठीक है चलो और कुछ करते हैं नया कुछ सीखने को मिलेगा नए लोगों से मिलने को मिलेगा और चार चीजें पता चलेंगी ठीक है करेक्ट पर्सपेक्टिव दूंगा अगर आपको ये लगता है मैं, मैं एक कॉलेज फ्रेंड से मिला बहुत टाइम बाद और आ, उन्होंने एक बात की और मैंने कहा हाँ यार सही बोल रहे हो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हमारी एज के मेरी एज के ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी वो कुछ ना कुछ फ़कअप हुआ है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ़कअप हुआ है। या तो फैमिली के साथ या तो एक रिलेशनशिप के साथ या जस्ट अभी शादी करी और डिवोर्स होने वाला है और करियर में कुछ फ़कअप हो रहा है पर कुछ बड़ा फ़कअप हो रहा है ये आप, आपने नोटिस किया था आपके लेट ट्वेंटीज में या अर्ली थर्टीज में कुछ ना कुछ ऐसे फकअप हो रहे क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो जब आप जस्ट कॉलेज से निकले हुए हो होते हो आपको ये लगता है कि ट्वेंटी नाइन थर्टी तक सब शॉर्ट हो जाएगा बट एट्स नॉट एक बहुत बड़ा फकअप जनरली हर किसी की लाइफ में होता है देखो अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ ठीक है आपने बोला था मेरी लाइफ में फकअप हुआ ठीक है मैं उसे मेजर फकअप बोलना चाहूँगा क्योंकि माइनर बोलूंगा तवज्जो नहीं मिलेगी मुझे ना। किसने किया वो फकअप मैंने किया किसकी नाकामी थी वो मेरी थी कौन टाइम वेस्ट कर रहा था मैं कर रहा था कौन कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था मैं नहीं पढ़ रहा था कौन नौकरी को सीरियसली ले रहा था मैं नहीं ले रहा था अब अगर इसे मैं बोलूं कि ये मेरे साथ फकअप हुआ ये हुआ नहीं मैंने होने दिया ठीक है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के साथ जलविल रिलेशनशिप में गंदा फकअप हो सकता है ठीक है किस्मत खराब थी तुम्हारे साथ फकअप हो गया ठीक है अब ये बोलना कि सभी के साथ अट्ठाईस उनतीस तीस साल की एज में हमारे साथ तो कुछ ना कुछ मेजर फकअप हुआ ही है ठीक है ये ये बकवास बात है बोलने के लिए ठीक है क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ़कअप हो ही रहा है और होता ही रहेगा अगर फकअप नहीं हो रहे हैं तो फिर तो हमें किताब मिली हुई है ना जिससे हमें सुबह उठ के पढ़ना है कि क्या करना है ये करना है तो फिर सब ठीक चलता चला जाएगा अगर ये अगर हमारे पास है और हमारी लाइफ में फकअप नहीं हो रहे हैं तो किस बात का तो मज़ा है फिर लाइफ का क्या तो हम स्ट्रगल करेंगे क्या, या तो तुम्हारे पास इतने पैसे जी रहा हूँ भी होंगे खराब भी होगा मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा इट्स जस्ट दैट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है मैं भी कोई तुमसे बहुत बड़ा तो हूँ नहीं दो तीन साल बड़ा ठीक है मैं भी सेहत से निकल के आया हूँ अभी भी हम अच्छी चीजों को कम सेलिब्रेट करते हैं और खराब चीजों को ज्यादा गुणगान करते हैं हम कभी भी ये नहीं बोलते मैं बहुत खुश था हम लेकिन बड़ा फकब जरूर बोलते हैं hmm. ठीक है खुशी को हम ऐसे देखते हैं कि हाँ ये तो था ही हमें कुछ मिल भी जाता तो हम कहते हैं इतना तो मैं डिजर्व ही करता हूँ नहीं बे मिल गया है इसको इज्जत से रख <laughs> ठीक है संभाल के रख सबको नहीं मिला ये ठीक है बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ में आया है ठीक है अब मैं आज यहां बैठ के मैं ऐसे बाहर जाके बोल दू अपने दोस्तों में जाके मैं बोल दू मैंने कहा यार थक गया हूँ यार मैं तो बहुत काम कर लिया यार मैंने तो ठीक है मैं तो मतलब नींद नहीं आती यार मुझे तो सोने को नहीं मिलता है यार में कर सकता हूँ ये बात ठीक है क्योंकि अभी हमें बात कर रहे हैं मैं अपने हाँ। किसी दोस्त को जाकर बोलूँ जो नौकरी करता है यार सोने को नहीं मिलता यार मुझे तो यार ये हो गया वो गया उसकी जितनी सैलरी है ना जितनी सैलरी में अपना घर चला रहा है ठीक है सो वो भी नहीं पाता ठीक है और मैं एक सिचुएशन में ऐसी हो के जहाँ मेरे पास आज सब कुछ है मैं उसके सामने बकवास करूँ ना उसे अपने फकअप गिनाऊँ तो ये छुटिया बात है ठीक है इट्स जस्ट दैट हम जो अच्छी चीज़ें हुई हैं लाइफ में उन्हें भी याद करो उन्हें ज़्यादा सेलिब्रेट कर लो मीडियम भी मीडियमर लेवल पर भी सेलिब्रेट करेंगे ना तो भी हमारा वो लेवल बना रहेगा कि हाँ ठीक है हमारा वो फिक्स रहेगा कि हाँ ठीक है खुशियां भी तो है ना यार इसीलिए एज अ एज अ पर्सन मेरा दोस्त बन जाओ फिर तुम्हें मेरी लाइफ दिखाई देगी जो मैंने खुद के साथ करा है आई सेलिब्रेट एवरी फकिंग थिंग और मैं ऐसे सेलिब्रेट करता हूँ जैसे ये पार्टी लास्ट है ठीक है चाहे वो मेरा स्टैंड अप शुरू करने वाला दिन हो उसकी एनिवर्सरी हो चाहे वो मेरा बर्थडे हो चाहे वो न्यू ईयर हो चाहे वो दिवाली हो चाहे वो कुछ हो चाहे मेरी मूवी आई हो चाहे मेरा स्पेशल आया हो कुछ भी हो मैं दो ढाई सौ लोग की पार्टी रखता हूँ मैं दो ढाई सौ लोग कितना पैसा खर्चो कुछ हो लेकिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ जस्ट दैट मुझे खुशियां भी उस लेवल पर दिखनी चाहिए अपनी लाइफ में कि हाँ खुशियां भी तो है ना यार अब फकअप भी है तो वो भी साइड में मैं फकअप को बड़ा नहीं होने देना चाहता क्योंकि मैं मैंने क्या देख लिया मैं छब्बीस सत्ताईस का था कि जरा सी सैडनेस हुई और मैं सैडनेस को ऊपर बैठ गया ऐसे जम के कि यार मैं तो बहुत सैड हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया क्योंकि बहुत ईजी है ये बोलना सामने वाले से सिम्पति लेना और बोलना कि भाई मैं तो बहुत सैड हूँ मेरे तो लाइफ में कुछ हो नहीं रहा मैंने करा है ठीक है अभी भी ऐसे मोमेंट आते हैं जब मेरा ये करने का मन करता है कि मैं किसी को बोलूं बट वो मैं अपने बहुत ही बहुत ही खास लोगों से बोलता हूं ठीक है कि यार okay. नहीं हो पा रहा ठीक है गले लगा लो एक बार ठीक yeah. है तो वो अब अब वो दूसरे इमोशन से निकल रहा है बट ये मैंने जब स्टैंड अप करना शुरू ही किया था जब तक मैं वायरल भी नहीं हुआ था मैंने तभी अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं सैड होकर नहीं बैठूंगा चाहे मेरी लाइफ में कितना बड़ा फकअप हो जाए क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं लाइफ फ़कअप तो होते रहेंगे तो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि भाई ओवरकम करके अगला दिन तो आ जाएगा ना यार जब सारा दिन अगला आ गया बात खत्म हो गई तो मैं क्यों वहां पढ़ा रहा हूँ क्यों सिचुएशन में पढ़ा रहा हूँ क्यों मैं ये सोचता रहा कि फलाने आदमी ने मेरे साथ क्यों किया है उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको ऐसा करना चाहिए था वो चीज मुझे क्यों नहीं मिली मुझे मिल जानी चाहिए थी वो करता रहू इससे मैं अगली चीजें भी तो खो रहा हूँ आज मुझे अब कहीं और होना चाहिए था कि मुझे अगली चीज़ दिखाई देगी वो मिल जाए अगर मैं आज तक यही दुख मनाता रहूं कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ तो सर्टनली बहुत सारे लोग होंगे जो आज मना रहे होंगे जो आज बोल रहे होंगे कि यार हमने तो छः साल दिए थे इस चीज़ को हमारा क्यों नहीं निकला हमने भी तो उतनी मेहनत करी थी या फलाने का क्यों निकल गया है वो तो यार मैं अपना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं किसी और कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं ये फकअप गिनाता रहूँगा इस फ़कअप की कोई वैल्यू नहीं है ये कल को मुझे किसी काम नहीं आने वाली आगे बढ़ते हैं कुछ और करते हैं पता नहीं लाइफ कहाँ से कहाँ ले जाए मैं तो सिर्फ एक स्टेज पर चढ़ा था अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए क्योंकि मैं खुश बहुत था मैं अपनी मैं अपने फेलियर को इतना अच्छे से हैंडल किया ना कि मुझे लगता था कि और उसका सिर्फ एक ही रीजन है उसका मेजर रीजन सिर्फ एक है क्योंकि मेरा मेरा फेलियर फेलियर ना होता अगर मैंने कुछ भी ढंग से किया होता तो मैंने ही तो बदतमीजी करी अपने साथ तो होके बैठ सकता हूँ अब तुम कैसे बोल सकते हो दुनिया नहीं तुम्हारी हरकतें देखो यार तो मिनट के करने के चलते मैं आज एक मूवी करके बैठा हुआ ठीक है तो मैंने आगे बढ़ा तो और मैं बढ़ता ही कभी काम में कमी नहीं छोड़ी नहीं हुआ मैं दोबारा सैड माँ काम पे लगो होते ही रहते हैं यार ठीक है कब तक ये बोलते रहोगे कि ये हो गया वो हो गया एक बात पूछ हैं आपसे थोड़ा थोड़ा पर्सनल सवाल है ठीक है एंड डोंट डोंट आंसर इफ यू फील लाइक एडिट आउट कर देंगे या नहीं करेंगे इफ यू से और नॉट अच्छा मैं सॉरी आगे बढ़ने से पहले मैं श्योर मैं चाहता हूं बोलो कि आ, क्या होगा कि मैंने ये बात बोल दी ना ठीक है अब इसके कोई बंदा इसकी रील बनाएगा ठीक है वो सिर्फ इतना सा पार्ट उठाएगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि फ्का फका कुछ नहीं होता आगे बढ़ो ठीक वो इतना सा पार्ट उठाएगा और उसको डाल देगा ठीक hmm. है अब उसके नीचे जितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में चल रहा है वो लिखेंगे कि हाँ, देखो ये ये हो गया तो, कर रहा है, hmm. तो मैं उसके कंटिन्यूशन में ये भी बोल देना चाहता हूँ <laughs> कि जो बंदा भी उसको काट कर रिल बनाए वो आगे की भी बनाए ये <laughs> <laughs> बोल देना चाहता हूँ इतना क्लियरली ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे फकअप हो गए तो उसको इग्नोर करो आगे बढ़ो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे बढ़ो यहाँ जो लोग इस पॉडकास्ट को रिव्यू कर रहे हैं सेम लॉजिक एक पार्ट को मत हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो जाएगा मैं बोल रहा हूँ इस टाइम ले लो ये मैं हमेशा से बोलता हूँ टिक टॉक में भी बोला है टाइम ले लो छः महीने ले लो एक साल ले लो उस चीज को बेटर करने की कोशिश करो बट

बहुत कैजुअली ले रहा था लाइफ को ठीक है जितने मेरे साथ कुछ भी हुआ है मेरा चाइल्डहुड मेरा वो सब वो सब वो सब वो सब मुझे पता है कि ये अब मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता ठीक है ना ना ही मैं किसी को ब्लेम कर सकता कोई लॉजिक है नहीं उसका करने का तो मैं बस सोच सकता हूँ और वही मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ कि मैं किसी के साथ ऐसा ना करूँ कुछ भी दैट्स वन थिंग सेकेंड थिंग जो मेजर है जो ज़्यादा बड़ा चंक है वो ये कि मैं लाइफ को सीरियसली ले रहा था मैं बहुत कैजुअल था देखी जाएगी ठीक तो है मैं हूं आज भी ऐसा ही कि देखी जाएगी लेकिन आज मैं मेहनत कर रहा हूँ एटलीस्ट मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ वो करता हूँ क्योंकि अब मुझे इस काम में मन लगने लगा है उस टाइम भी मैं मुझे काम मतलब मजा सा नहीं आ रहा था इसलिए मैं सीरियसली ले पा रहा था लेकिन उस चक्कर में, में मेरी पूरी लाइफ कैजुअल हो रही थी तो बेसिकली मुझे जो थेरेपिस्ट ने बोला था कि आप अपने आप को थोड़ा सा सीरियसली लो खुद खुद के बारे में तो पता नहीं क्या बोला तो भूल गया मैं हाँ तो मेरी वही लर्निंग थी बेसिक तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देता हूँ इस चीज को जाके करता हूँ इस पर मेहनत करता हूँ अपने अपने ऊपर मेहनत करता हूँ अगर मुझे फिट रहना है तो मुझे करना ही पड़ेगा ना सिर्फ सोच के तो नहीं हो पाएगा तो सेम मेंटल हेल्थ है अगर आपको ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा तो करा अब मैं उसके डिटेल में नहीं घुसूंगा कैसे हुआ क्या हुआ बट हाँ तो वही लर्निंग थी और दूसरी लर्निंग मेरी है कि बहुत महंगी होती है यार ही <laughs> बदतमीजी बत, यार है तो इतने तो सारे पैसे लेके बता रहे ठीक हो जाओ अरे यार <laughs> पैसे वापस कर हो जाऊंगा बेसिकली डिसिप्लिन को हाईलाइट किया बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं पर हाईलाइट डिसिप्लिन को ही किया hmm. कि थोड़ा सा अप्रोच अपनी चेंज करो थोड़ा तमीज से रहो हो जाएगा <laughs> हाँ ये क्या पढ़े हैं पांच पांच दिन हो गए <laughs> हैं पांच लाउंडे पढ़े ही है कुछ मतलब ही नहीं दिन दुनिया से खाना आ गया तो खा लिया नहीं आया तो नहीं खाया जो मिला खा लिया तो फिर कह रहे हैं लाइफ क्यों नहीं ठीक हो रही है अब होगी तो तभी जब कुछ करोगे <laughs> निकलो तो सही घर से कुछ करो तो ओके okay. रोहित शर्मा भाई जी आ, नहीं बसी भाई नहीं। आ, एक आखिरी सवाल आपको जी भाई ओके थर्टी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जो भी आपने सीखा है आई नो कि आप शायद सिर्फ थर्टी टू या थर्टी थ्री उसके फिर भी क्योंकि आई विश कि जब मैं ट्वेंटी टू ईयर्स का था किसी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली होती जो मैं अब कंटेंट के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ hmm. कि ट्वेंटीज के लोग जानें उसी तरह थर्टीज के लोग एक्चुअली मुझे क्या जानना चाहिए अबाउट hmm. थर्टीज पता नहीं है मेरे तो अभी अभी शुरू ही हुआ है जो भी सीखा थर्टीज स्पेसिफिकली मुझे लगता है यार एक तो शादी सोच समझ के करना ठीक है ये मत सोच लेना तीस के हो गए या बत्तीस से पैंतीस के हो गए तो शादी कर लेते हैं ठीक है क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ का कभी कभी आप खुद अनप्रपेयर्ड हो इस चक्कर में सामने वाले की ज़िंदगी और बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है वो प्रिपेयर्ड हो और फिर फालतू में उसके लग जाए क्योंकि तुम तुमने तो ऐसी कर ली थी बस क्योंकि बाल झाड़ रहे थे ये तो कोई लॉजिक नहीं तो वो सोच समझ के करना थर्टीज में बाकी तो यार मुझे ज्यादा है नहीं मेरे को तो मुझे नहीं पता जैसे जैसे सीख रहा हूँ वैसे वैसे। अगले बॉडकास्ट को तो बताता हूँ <laughs> मतलब मतलब <laughs> okay. बस काम करते मेरा बस इतना सा है यार खुश रहो काम करते रहो मजे करो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते रहो और छोटी छोटी चीज और ये बहुत मैंने बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ इस चीज से मुझे बहुत फायदा हुआ लाइफ में हर छोटी छोटी चीज सेलिब्रेट करने लोग

तो आप जैसे लोग हमें सबसे बेस्ट पॉडकास्ट देते हैं मतलब सबसे डीप पॉडकास्ट देते हैं एंड एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा जो मैंने पॉडकास्ट से ही सीखी है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के थ्रू या फिल्म स्टार्स से बात करने के बाद या क्रिकेटर्स से बात करने के बाद आई फील कि हर इंसान की लाइफ में सर्कमस्टांसिस का बहुत बड़ा रोल रहता है और इसे हम भाग्य कहते हैं डेस्टिनी कहते हैं एंड आई डेफिनेटली फील डेस्टिनी होती है और डेस्टिनी बदल भी आप सकते हो डेफिनेटली हार्डवर्क के थ्रू प्रेयर के थ्रू एटसेट्रा पर डेस्टिनी होती है पर कुछ कुछ लोगों के लाइफ में एक्सट्रीम फेम की डेस्टिनी होती है ओके आई डेफिनेटली फील कि आप उन लोगों में से हो जहां आपको बहुत ज्यादा फेम ऑलरेडी मिल चुका है और बहुत ज्यादा फेम मिलने वाला है और आई जेन्यूनली बिलीव कि भगवान उन लोगों को फेम देता है जिनका दिल साफ होता है और जिनके पास चीजें हैं कहने को जिनके ओपिनियंस को एक पेडेस्टल uh, मिलनी चाहिए दैट्स वॉट आई फील एंड आई फील कि आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे ओपिनियंस हैं

कुछ चीजें मैं कुछ और नहीं सीखा तो डेफिनेटली करेंगे मैं तो कह रहा हूँ हर साल एक एक करेंगे हा? हा, अगर तो बोल करें हुआ। हुआ, तो देंगे कि सेम ही है <laughs> नहीं डालेंगे उसको अगर कुछ चेंज हुआ कुछ बदला तो हम डाल देंगे हम भी रील बनाएंगे ना बिफोर आफ्टर <laughs> ठीक है कुछ बेटर सीख जाएंगे तो फिर अगले साल दोबारा कर लेंगे हर साल करा करेंगे बहुत कुछ सीखा आपसे भाई भाई थैंक थैंक यू यू अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार बहुत मजा आया मुझे मैंने बस वही लास्ट में कोई रील नहीं है

इस पॉडकास्ट के बाद जब मैं बसी सर से मिला एक इवेंट पर तो बहुत ज़्यादा गहरी कनेक्शन फील हो रही थी एंड आई थिंक यही होता है पॉडकास्ट का मैजिक कि आप एक दूसरे इंसान के दिल में पूरी तरह से घुस सकते हो उनके दिल से खुद का दिल मिलाकर बात कर सकते हो आई एम जस्ट लिविंग अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट हमें ये बताइए कि इस इंसान के साथ हमें और किन चीज़ों पर बातचीत करनी चाहिए आई फील कि ये हर किसी को हंसाता है पर इनमें वो काबिलियत है जिसकी वजह से बहुत सारे यंग लोग स्पेशली यंग मर्द बहुत कुछ सीख सकते हैं इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में दिस वॉज अनुभव सिंह बसी ऑन टी आर एस और एक और बढ़िया एपिसोड के साथ हम बहुत ही जल्द लौट कराएंगे